हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और निगेटिव साथ में पढ़ेंगे, ठीक है? पहचान तो आप देख चुके होंगे पिछले वाले वीडियो में, तो मैं डायरेक्ट चालू करता हूँ, ठीक है? अगर वाक्य क्या से प्रारंभ हो यार, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है? क्या प्रश्न वाली बातें हो जाएंगी, तो इसका रूल क्या रहेगा, रूल को हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है? रूल हमारा रहेगा क्या, रूल रहेगा पहले मैं सिंपल अगर निगेटिव में ना हो सेंटेंस तब की रूल की बात करता हूँ, उसके बाद निगेटिव वाला ही बात करनी है, ठीक है? तो रूल ये रहेगा हैज या हैव। अब जैसे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव लगा देंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है उसके साथ हमें हैज लगा लेंगे, ठीक है? क्या हैज या हैव प्लस कोई एक लगाना हैज या हैव में से, ठीक है? प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है? क्या बात समझ में आ रही होगी मुझे लगता है, ठीक है? ओके, अगर वाक्य में कहीं नहीं आ गया बीच में, ठीक है, तब कैसे करेंगे? रूल सेम रहेगा, वर्ब से पहले नॉट लगेगा, ठीक है? वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना, इसमें ध्यान देना, ठीक है? परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगने वाला है। तो क्या रहेगा रूल हमारा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? क्लियर है बात? तो एग्जाम्पल अब देखा जाए, ठीक है? एग्जाम्पल देखते, क्या आपने यह कार्य कर लिया है? वाक्य क्या से प्रारंभ है, ठीक है? समझ में आ रहा बात? आपने का क्या लगना चाहिए, यू, यानी तुमने या आपने, ओके? तो हैव यू डन, हैव यू सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म इज डन, डू का थर्ड फॉर्म इज डन, दिस वर्क मतलब यह कार्य, हैव यू डन दिस वर्क, समझ में आ रहा है? सेकेंड ट्रांसलेशन पे चलते हैं। सेकेंड जो हमारा ट्रांसलेशन है, सेकेंड जो ट्रांसलेशन हमारा है, क्या गीता कानपुर चली गई है, ठीक है? क्या तो जो गीता है कानपुर चली गई है उसको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो गीता इज अ सिंगुलर पर्सन, उसके साथ तो हैज लगाना चाहिए, तो हैज गीता चली गई है यानी गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन टू कानपुर, मतलब थर्ड फॉर्म वर्ब का है, गो के लिए गॉन लगाते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? तीसरा ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तीसरा है, क्या राधा ने आपको यह पत्र भेजा है, क्या राधा ने आपको यह पत्र भेजा है, तो हैज राधा सेंड का थर्ड फॉर्म इज सेंट, यू दिस लेटर, आपको भेजा है यानी यू सेंड, यू तुमको भेजा है, आपको भेजा है, ओके? हैज राधा सेंट यू दिस लेटर, क्या आपको राधा ने यह पत्र भेजा है, ठीक है? क्या मैंने यह फिल्म नहीं देखी है, क्या मैंने यह फिल्म नहीं देखी है, तो क्या मैंने यानी मेरे बारे में बात नहीं, या आई, तो आई के साथ तो हैव लगता है, तो हैव आई नॉट सीन, अब नहीं का वाक्य है तो वर्ब से पहले हमें लगाना है नॉट, ठीक है? तो नॉट सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म इज सीन, दिस मूवी, समझ में आ रहा है क्या बात? समझ में आ रहा होगा, आगे चलते हैं। और इसमें का पांचवा ट्रांसलेशन हमारा रहेगा, क्या वे लोग यह प्रश्न हल नहीं किए हैं, क्या वे लोग यह प्रश्न हल नहीं किए हैं, तो क्या वे लोग, वे लोग यानी प्लूरल नंबर है, तो क्या के लिए हमें क्या लगाना चाहिए, हैव दे, और नहीं के लिए यानी हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म जब लगता है उसके पहले नॉट भी लगाना है, तो नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो पहला पार्ट इसका समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको, ठीक है? क्या इसका सेकेंड पार्ट हम देखेंगे अब क्वेश्चन मार्क में, हाँ, तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में क्या दिया है। जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि शब्द आवे, यानी क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो तो बीच में भी पूछे जा सकते हैं आपके बीच में, तो बीच में जब आता है ना तो रूल हमारा जो इंग्लिश ट्रांसलेशन का होता है वो चेंज होता है थोड़ा सा, ठीक है? अब देखिए इसमें रूल क्या रहता है हमारा, जैसे व्हाट मतलब क्या, क्यों, व्हाई, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे, व्हेन, कब, ठीक है? प्लस हैज है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, आप देखेंगे ध्यान से, तो केवल हमें सब्जेक्ट जो भी मतलब स्टार्ट करना है, जो हमारा ट्रांसलेशन उससे किससे स्टार्ट करना है, जो बीच में वर्ड है क्वेश्चन वर्ड उससे स्टार्ट करना है। अगर क्या लिखा होगा बीच में तो व्हाट लगा देंगे पहले, और क्यों होगा तो व्हाई लगा देंगे, कहाँ होगा तो वेयर लगा देंगे, कैसे होगा तो हाउ, कब होगा तो व्हेन लगा देंगे, बाकी रूल सेम टू सेम पहले वाला हैज या हैव प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, समझ में आ रहा है आपको बात, हैज या हैव प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस
नॉट, अगर नहीं होगा तब नॉट लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे नॉट का, ठीक है। अगर सब सेंटेंस में हमारे नहीं नहीं है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, अगर होगा तो नॉट लगाएंगे। क्लियर होना चाहिए बातें आपको, एक में ही लिखा हूँ मैं तो समझिएगा ज़रा बात को, ठीक है, कि क्या मैं बोल रहा हूँ। बातों को सुनेंगे तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, समझ में रूल समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है, आपने यह कार्य क्यों कर लिया है, आपने यह कार्य क्यों कर लिया है, तो क्यों बीच में आ रहा है, तो हमें वाई से स्टार्ट करना चाहिए। वाई, बाकी रूल पूरा सेम टू सेम पुराना वाला, वाई हैव यू डन दिस वर्क। क्लियर है बातें, पीछे जो कर रहे थे वही है, क्यों बीच में आ गया तो वाई लगा देंगे आगे, नो चेंज, ओके। नेक्स्ट है, गीता क्यों कानपुर चली गई है, वाई हैज गीता गॉन टू कानपुर। पहला हमारा था गीता, क्या गीता कानपुर चली गई है, तो हैज गीता गॉन टू कानपुर लिख रहे थे, अब बीच में क्यों आ गया तो वाई लगा देंगे आगे, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम है। क्लियर है बात। तीसरा समझ रहे हैं, मैंने यह फिल्म कब देखी है, ठीक है, तो यानी हमें वेन का ही केवल कब का मीनिंग लगा देना, बाकी सारी चीज़ सेम होने वाली है, क्या वाला जैसे बनता वैसे ही बनने वाला। वेन हैव आई सीन दिस मूवी। क्लियर है बात, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वे लोग यह प्रश्न कैसे हल नहीं किए हैं, तो हाउ मतलब कैसे, हाउ हैव दे नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ रहे होगा बात को, ओके, समझ रहे हैं, समझ में आ रहा। वह दिल्ली में कहाँ नहीं रह चुका है, लास्ट हमारा ट्रांसलेशन है, वह दिल्ली में कहाँ नहीं रह चुका है, तो वेयर हैज ही नॉट लिव्ड इन दिल्ली, ओके। मतलब वह दिल्ली में कहाँ नहीं रहता, तो कहाँ का वेयर होता है, तो वेयर हैज ही के साथ तो हैज लगेगा, नॉट निगेटिव है तो नॉट लिव्ड लाइफ का थर्ड फॉर्म है लिव्ड, तो लिव्ड इन दिल्ली, ठीक है, लिव या थर्ड फॉर्म इज लिव्ड, ओके, समझ में आ गया होगा बात। तो बड़ा ही आसान है, आप अच्छे से इसको समझेंगे, रोक के वीडियो देखिए, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, थैंक यू।